दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने एक तरफा जीत तो हासिल की, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम की बैटिंग एक बार फिर से एक्सपोज होती हुई नजर आई। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया ने 140 रन पे अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद धोनी और हार्दिक पांड्या की साझेदारी ने ही टीम इंडिया को 270 रन तक के स्कोर तक पहुंचाया। अब दोस्तों सवाल उठने लगे कि धोनी की पारी बेहद ही धीमी थी शुरुआत में। अब इस बात का करारा जवाब आशीष नेहरा, जो कि भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं, उन्होंने दिया। आशीष नेहरा ने कहा कि यहाँ पे विराट कोहली की काफ़ी ख़राब कप्तानी मैं कहूँगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आशीष नेहरा ने सीधा निशाना विराट की कप्तानी पर साधा। उन्होंने कहा कि जब टीम इंडिया 140 रन पे थी और विकेट गिर रहे थे, तब विराट को नंबर 4 पे धोनी को उतारना चाहिए था, ना कि यादव और उसके बाद विजय शंकर जैसे बल्लेबाजों को धोनी से पहले। आशीष नेहरा ने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप चाहेंगे कि आपके बड़े खिलाड़ी पहले आएं और टीम को दबाव कम मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय टीम के 2 विकेट गिरने के बाद विजय शंकर ने 13 और केदार जाधव ने मात्र 7 रन बनाए, और इस पर आशीष नेहरा खूब भड़कते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जब 140 पे 4 विकेट गिर गए थे, उसके बाद धोनी बल्लेबाजी करने आए, तो क्या वो आते ही तेज खेलना शुरू कर देते? और फिर आप कहते हैं कि धोनी गेंदे ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनको आप सिचुएशन ही ऐसी देते हैं कि वहाँ से उनको सेटल होना पड़ता है और टीम को अंत तक ले जाना पड़ता है। केदार जाधव और विजय शंकर से पहले उनको उतारना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आशीष नेहरा ने कहा कि विराट कोहली को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि धोनी कम गेंदे खेले और ज़्यादा रन मारे, तो उनकी बैटिंग उतनी ही पहले आनी चाहिए। अगर आप देखेंगे कि 140 रन पे 4 विकेट गिर जाएंगे, तो धोनी आके छक्का नहीं मारेंगे, बल्कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं और मैच को अंत तक लेके जाते हैं। अगर धोनी भी तेज खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दे शुरू में ही, तो क्रिटिसाइज तो फिर भी होना है, इसलिए धोनी आखिर तक जाते हैं और अपनी पारी को शानदार अंदाज से खत्म करते हैं। आशीष नेहरा ने कहा कि वर्ल्ड कप अभी और भी बहुत बचा है, अहम मुकाबले बचे हैं। यहाँ पे विराट कोहली को समझना होगा कि नंबर 4 की पोजीशन पे अगर आपके पास अच्छा बल्लेबाज नहीं है, तो धोनी से अच्छा विकल्प नहीं है। आप धोनी को अभी भी एज ए फिनिशर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपके पास हार्दिक पांड्या जैसा तेज तर्रार बल्लेबाज है, जिसके ऊपर अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, आशीष नेहरा के अनुसार धोनी को नंबर 4 पे बल्लेबाजी करवानी चाहिए। दोस्तों, क्या आप आशीष नेहरा की बात से वाकिफ हैं? आपको भी लगता है कि धोनी को पहले उतरना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, ताकि खेल जगत की खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले।